वेलकम टू डोंट द केमिस्ट्री क्लास। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है आपकी दिवाली वेकेशन से। ठीक है, आपको आपने थंबनेल में देखा ही होगा, सेव योर दिवाली वेकेशन। ठीक है, तो जो आपका दिवाली वेकेशन होगा, वन वीक का होता है, किसी के 10 डेज का होता है, तो आप उस दिवाली वेकेशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आप कैसे सिस्टमेटिक वे से पढ़ सकते हो, ताकि आपका पूरा जो पीछे का कोर्स है, जो आपके वीक चैप्टर्स है, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सारे चैप्टर्स के। ठीक है, या प्रैक्टिस हो जाए पूरी, ताकि आपको प्रीवियस जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनसे उस टाइम जब आप स्टडी करोगे तब आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा। जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तब आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप इस दिवाली वेकेशन को सेव कर देते हो। ठीक है, ये जो वीडियो है वो मेनली बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है। नीट एंड जेई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस साल नीट देंगे, जो इस साल जेई मेंस देंगे, उनके लिए आप इसी टाइम टेबल के अंदर कुछ चीजें ऐड कर लेना, अपना टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा लेना। ठीक है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा अभी, बट आप अपने हिसाब से कुछ देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आपको जो दिवाली वेकेशन है वो कब कब है। स्टार्टिंग होगी 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, देखो जिन लोगों के स्टार्ट हो गए हैं दिवाली वेकेशन, और जिन लोगों के अभी होंगे, तो 24 तारीख से मैंने स्टार्टिंग किया है कि आपकी दिवाली वेकेशन 24 से लेकर के 30 तक चलेंगे। ठीक है, एंड आपको एक तारीख का वापस स्कूल होता है या आपकी इंस्टीट्यूट होती है। ठीक है, तो 24 तारीख से आप स्टार्ट करके 30 तारीख तक आओगे। ठीक, इन जो ये जो 7 डेज है, इन 7 डेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 27, 28 और 29 ये होते हैं फेस्टिवल डे। ठीक है, ये तीन जो मेन दिन होते हैं जिसके अंदर हम मेन फेस्टिवल्स आते हैं। 27 को आप लक्ष्मी पूजन करोगे, 28 को गोवर्धन पूजन करोगे, एंड 29 को जो भाई दूज होती है। ठीक है, और ये जो बाकी रेस्ट डेज हैं ये हो जाएंगे आपके फ्री डे। ठीक है, इनके अंदर आप कोई ज्यादा मेन काम नहीं होता। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या क्या आपको कैसे कैसे स्टडी करना। एक बात ध्यान जरूर दें, मैं आपको टाइम टेबल जरूर बताऊंगा, बट उसके अंदर आपको टाइमिंग मेंशन नहीं करूंगा, टाइमिंग आप खुद मेंशन करोगे अपने अकॉर्डिंग, जो आपका शेड्यूल फ्री रहता है। चलिए, आपको 3 स्लॉट बनाने। फर्स्ट इज मॉर्निंग स्लॉट। ठीक है, सेकंड स्लॉट बनाना आफ्टरनून स्लॉट, एंड थर्ड स्लॉट बनाना आपको इवनिंग स्लॉट, या फिर इसको आप नाइट स्लॉट भी बोल सकते हैं। ये तीन आपको स्लॉट्स बनाने। ठीक है, पहली बात आप ध्यान रखें कि आपको अपने बिजी शेड्यूल, यानी 24 आवर्स में से, इस पूरे 24 आवर के इस बिजी शेड्यूल में से आपको मिनिमम 6 आवर्स आपको निकालने ही पड़ेंगे स्टडी के लिए। अगर आप इस टाइम 6 घंटे नहीं निकाल पाते तो आप बोर्ड एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाओगे उस टाइम, इतनी ज्यादा, क्योंकि बर्डन भी इतना ज्यादा हो जाएगा, टाइम पीरियड कम बचेगा, फिर आप पूरी रेगुलर स्टडी नहीं कर पाओगे। तो आपको मिनिमम यही कोशिश करनी है कि 6 घंटे आपको निकालने ही निकालने हैं एक दिन के अंदर। वो आराम से निकलते हैं 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे रात को। अगर आप ये टाइम पीरियड इंक्रीज करोगे तो आपका जो सिलेबस होगा वो भी ज्यादा कवर होता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करें। तो मैं 6 घंटे के हिसाब से लेकर के चल रहा हूँ स्लॉट्स में। सर, मॉर्निंग स्लॉट आपको बनाना है 2 घंटे का, आफ्टरनून स्लॉट बनाना है आपको 2 घंटे का, इवनिंग स्लॉट बनाना है आपको 2 घंटे का। ओके, मॉर्निंग स्लॉट बनाना आपको 2 घंटे का, आफ्टरनून स्लॉट बनाना आपको 2 घंटे का, इवनिंग स्लॉट बनाना आपको 2 घंटे का। ठीक है, मिनिमम अपन 6 घंटे लेकर के चल रहे हैं। इस 2 घंटे को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 आवर एंड 1 आवर, एक एक घंटे में आपको डिवाइड करना है। इसको भी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट इसके अंदर आप करोगे 1 आवर 30 मिनट और इसको करोगे आप 30 मिनट, इसको आपको डिवाइड नहीं करना। देखिए, इस 1 घंटे में आप मान लो फिजिक्स पढ़ते हो, भले आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, चलो इसमें आपने केमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, आप इसमें केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, इसमें फिजिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने बताया, आप फिजिक्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसमें केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। आप इसे 1 घंटे 1.5 घंटे में आप पढ़ सकते हो बायो, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, और जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स पढ़ सकते हैं, सॉरी मिस्टेक, मैथ्स। ठीक है,
जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो बायो पढ़ लेंगे, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स पढ़ लेंगे। आपको डेढ़ घंटे आफ्टरनून स्लॉट में डेढ़ घंटे आपको मैथ्स या फिर बायो देनी है। इस 30 मिनट के अंदर आपको यह करना है, इन 30 मिनट्स के अंदर आपको पढ़नी है हिंदी या फिर आपको पढ़नी है इंग्लिश, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि यार हिंदी और इंग्लिश को ज्यादा अपन क्यों पढ़े अभी, तो हिंदी और इंग्लिश को आपको 30 मिनट इसलिए देना है क्योंकि भले ही आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायो ये स्ट्रॉन्ग होगी, आप इसमें भले ही आप 80 प्लस क्रॉस कर जाओगे सब में, बट अगर आपके हिंदी में मार्क्स कम है और इंग्लिश में मार्क्स कम है तो जो ओवरऑल परसेंटेज आएगी जो मार्कशीट में आएगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के परसेंटेज बहुत कम लोग पूछते हैं। हमेशा सब जो रिजल्ट दिखता है पूरा वो ओवरऑल सब्जेक्ट्स का रिजल्ट निकलता है, तो अगर हिंदी और इंग्लिश में आपके मार्क्स कम आएंगे तो ओवरऑल परसेंटेज होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको 30 मिनट हर सब्जेक्ट को देना है, आप अल्टरनेट भी कर सकते हो, जैसे 24 को आपने हिंदी पढ़ी तो 25 को इंग्लिश पढ़ लिया, नहीं तो अगर आप इसको 6 hours से 7 hours भी करते हो तो आपने 30 मिनट हिंदी पढ़ ली 30 मिनट इंग्लिश पढ़ ली, ठीक। बट इनको ध्यान रखना, इनको भी रेस्पेक्ट देनी है, अगर आप इन दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो ये आपके रिजल्ट की रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट बिगाड़ने में टाइम नहीं लगाते। इवनिंग स्लॉट या फिर नाइट स्लॉट में आपको क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लॉट है, ठीक है। मान लो आपने 1 घंटा यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, 1 घंटे का आपने 1.5 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, आपने 6 घंटे यहाँ पे पूरे खत्म कर दिए, ठीक है, आपने इवनिंग स्लॉट हटा दिया, तो अगर ये स्लॉट हटा दोगे आप तो आपने जितना भी पढ़ा होगा इन दोनों स्लॉट्स में, ठीक है, उनकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 12th क्लास के स्टूडेंट ध्यान रखें, आपको यहाँ पे करना है 15 क्वेश्चन लेने पर सब्जेक्ट। इसमें आप प्रैक्टिस के अंदर आप हिंदी इंग्लिश को अवॉइड कर सकते हो, बोले आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ले लो, आपको 15 क्वेश्चन पर लेने तो टोटल आपके 45 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इन 45 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है रात को, ठीक है। अभी रात को करो चाहे आप इवनिंग टाइम में करो, कभी भी करो जो आपकी मर्जी हो, जैसे आपका फ्री शेड्यूल बैठता हो, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करना है, और ये ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें 1 मार्क्स भी हो, 2 मार्क्स भी हो, 3 मार्क्स भी हो, 4 मार्क्स भी हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अब ये आपको डाउट आएगा कि ये 45 क्वेश्चन हम सेलेक्ट कहां से करेंगे, तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो एनसीईआरटी रहेगी, ठीक है। आप एनसीईआरटी जो पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जांपल्स कर सकते हो, अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रखे हैं एग्जांपल्स भी कर रखे हैं तो आप डेस्क वर्क खरीद सकते हो, मार्क्स मार्केट में मिलती है, एग्जामिनेशन गाइड्स आती है वो आप खरीद सकते हो, ठीक है, उसकी ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं होती तो आप उसको खरीद सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उसमें से हर एक सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन ले लीजिए, 45 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो रोज के 45 क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे हर चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे। अब अगर आप इन 6 घंटों को बढ़ाओगे तो आपका जैसे मैंने बताया पहले 6 घंटे जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, 6 के 7 करोगे, 7 के 8 9, वैसे वैसे जो आपके चैप्टर्स होंगे वो भी बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ। तो अगर हम 6 घंटे को रेस्पेक्ट में मान करके 6 घंटे लेकर के चले तो एन एवरेज चैप्टर जो होंगे वो आपके मैं मान सकता हूं 5 चैप्टर होंगे वो फ्री डेज में हो जाएंगे। फ्री डेज आपके पास में 4 दिन है, इन 4 दिन के अंदर आप अप्रोक्स 5 चैप्टर आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि कुछ चैप्टर तो ऐसे होंगे जो आपने फर्स्ट टेस्ट के टाइम पढ़ रखे होंगे, सेकंड टेस्ट के टाइम पढ़ रखे होंगे, ठीक है, तो वो आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने। तो अप्रोक्स अगर हम माने तो आप इन 4 दिनों के अंदर अंदर 5 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, और अगर हम इन बिजी शेड्यूल यानी फेस्टिवल डेज में बात करें तो 28 को आप पूरा का पूरा छोड़ दीजिए, इसके अंदर अगर आप नहीं पढ़ पाते क्योंकि रिलेटिव्स के घर पे जाना होता है, इधर उधर आना जाता होता है, तो पूरा दिन इसमें निकल जाता है, तो इसको हम रेस्ट डे बोल देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। ये इसमें आप कुछ नहीं करोगे, इसमें आप पढ़ाई को छोड़ देना। 27 को आप और 29 को, इन दोनों में ये 2 स्लॉट आराम से ले सकते हो आप, ठीक है, ये दोनों में से एक एक स्लॉट लेते हो तो अभी अगर हम अप्रोक्स 6 घंटे की माने तो आप 2 चैप्टर जो होंगे वो फेस्टिवल डे में कर सकते हो, ठीक है, फेस्टिवल डे। एन एवरेज टोटल 7 चैप्टर्स हो जाएंगे पूरे आपके 7 दिनों के अंदर, 6 से 8 मान सकते हो,
अप्रोक्स जो होंगे मैक्सिमम एन एवरेज 8 चैप्टर हो जाएंगे आपके, अगर आप 6 घंटे की स्टडी करते हो, रेगुलर स्टडी करते हो। ऐसा नहीं आपने एक दिन इस पूरे सेटअप को फॉलो किया, अगले दिन नहीं किया, फिर अगले दिन किया, तो ऐसा करोगे तो फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको 6 घंटे की रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी इन पूरे वीक के अंदर। ठीक है, और अगर मैंने वैसे बताया कि ये घंटे अगर आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ चैप्टर्स भी बढ़ते जाएंगे, ये और ये प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये नंबर ऑफ चैप्टर्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्लास 12th के लिए पूरा का पूरा शेड्यूल। आप जेईई मेंस दे रहे हो चाहे वो नीट का दोगे, तो इसको भी आप इसी तरीके से फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो इस बार जेईई मेंस देंगे या जो नीट देंगे, तो आपको अपना जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 8 आवर्स कर देना। ठीक है, मिनिमम आपको 8 आवर्स कर देना। इसके अंदर आप 3 घंटे 3 घंटे और इसमें 2 घंटे। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, 12th वाले तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, आपको करने नीट या फिर जेई के स्टूडेंट आपको करने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास में बहुत सारी गाइडें होंगी एंड स्कूल इंस्टीट्यूट की डीपीपीज होंगी, इंस्टीट्यूट की सीटें होंगी, तो आप ऐसे कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास में नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है, तो आप प्रोटोन के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको वहां पे सारी की सारी हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपको डीपीपीज मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएगी। ठीक है, और अगर जिस टॉपिक की नहीं मिले तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो बाकी सब सारा सेटअप सेम है मैं, आपको मिनिमम जो नीट के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, नीट या फिर जेईई, इन दोनों स्टूडेंट्स को 8 आवर्स मिनिमम रखना है। 12th के स्टूडेंट्स 6 घंटे की मिनिमम प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स और जाना मत, ठीक है, वीडियो बंद करके, अभी आपको बहुत सारी चीजें बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आपको बताई जाएगी जो आपको अवॉइड करनी है, कुछ ऐसी चीजें बताई जाएगी जो आपको इस टाइम टेबल के अंदर मैनेज करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, क्लास 10th के स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स आपको भी मिनिमम 6 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी रेगुलर। ठीक है, क्योंकि आपका भी बोर्ड एग्जाम है। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, मॉर्निंग स्लॉट को 2 घंटे में डिवाइड करना, 2 घंटे आफ्टरनून स्लॉट हो जाएगा, इवनिंग स्लॉट भी आपका 2 घंटे का ही रहेगा। ठीक है, इस 2 घंटे को आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट में, फर्स्ट 45 मिनट, सेकेंड भी 45 मिनट एंड थर्ड इज 30 मिनट। फर्स्ट 45 मिनट में आपने मान लो साइंस पढ़ ली, आप मैथ्स भी पढ़ सकते हो जो आपकी मर्जी, जो आपकी इच्छा, मान लो आपने साइंस पढ़ी, सेकंड 45 मिनट में आपने मैथ्स पढ़ ली एंड थर्ड 30 मिनट्स में आपने इंग्लिश पढ़ ली, तो ये आपका पूरा मॉर्निंग स्लॉट खत्म हो गया। फिर आपका बचता है आफ्टरनून स्लॉट, इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट। ठीक है, पहले 40 मिनट में आपने SSC पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, कुछ भी जो आपका इस ऑर्डर का आराम से चेंज कर सकते हो। सेकंड 42nd में आपने संस्कृत पढ़ ली, थर्ड 42nd में आपने हिंदी पढ़ ली, तो आपकी टोटल 2 स्लॉट्स में 6 के 6 सब्जेक्ट कवर हो गए। अब जो नाइट स्लॉट बचता है, जो इवनिंग स्लॉट बचता है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे का टाइम पीरियड लेना है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, 7 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखना है, और इन 7 क्वेश्चन तो टोटल आपके 40 से 45 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आप। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, 40 क्वेश्चन का कर सकते हो, 45 क्वेश्चन कर सकते हो। इन क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे के अंदर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कहां से उठाओगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी NCERT, आप NCERT बुक से निकाल सकते हो, नहीं तो एग्जामिनेशन गाइड्स आती है बहुत सारी, आप उनसे निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो नेट पे भी बहुत मिलते हैं, आप प्रोटोन की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे आपको, तो आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो ये था क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस आपको इसमें इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, बस बाकी सारा पैटर्न सेम रहेगा आपको, 24 से 30 या आपकी फेस्टिवल डेज, वो सारे सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब हो गया मेरे लिए। ठीक है, चलिए अब इस टाइम पे टाइम टेबल में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको एक डेली टास्क बनाना है। ठीक है, आप कोई भी स्लॉट में स्टडी कर रहे हो, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, इन सब स्लॉट्स में आपको टास्क बनाना है। इससे क्या फायदा होगा, देखो जब भी अपन टास्क बना करके स्टडी करते हैं, तो जब हम टास्क को कंप्लीट करते हैं तो एक मोटिवेशन आती है अंदर से कि हम अगले टास्क को भी कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये टास्क नहीं होता मेरे पास। जैसे आपने 1 घंटे का एक टास्क बनाया कि 1 घंटे में मेरे को 45 क्वेश्चंस उसको कंप्लीट करना है, या मेरे को इस फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जब वो 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो एक ऐसा मोटिवेशन आता है अंदर से पढ़ने का कि आप जो नेक्स्ट स्लॉट होगा उसमें भी आप क्या करोगे, अच्छा टास्क बनाओगे और उसको भी कंप्लीट करने का ट्राई करोगे। तो जब टास्क बना करके काम किया जाता है और वो जब टास्क पूरा हो जाता है तो हमें एक अचीवमेंट मिलती है जिससे हम मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट टास्क के लिए अपन काम करते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप बैठ जाओगे सीधा पढ़ने के लिए, जो जो मन किया आपने पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ोगे फिर मन नहीं करेगा, फिर उसको टाइम टेबल कहीं पर रहेगा, आपका माइंड कहीं पर रहेगा, आप खुद कहीं पर रहोगे, ठीक है, सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो आपको टास्क बना करके काम करना है। टास्क ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा टास्क आपको अचीवमेंट नहीं देगा, फिर इससे डिमोटिवेट हो जाओगे। छोटा टास्क आपको अचीवमेंट जरूर देगा बट उससे आप मोटिवेट नहीं होगे, क्योंकि आप इजीली किसी टास्क को अगर हम अचीव कर लेते हैं तो अपन कोई मोटिवेट नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। फिर अपन को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ईजी था, आपने कर लिया, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, अपन ये लास्ट टाइम भी कर सकते हैं, ठीक, तो मेन दिक्कत ये आएगी। फिर थर्ड, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आपको हर स्लॉट में पढ़ते टाइम दो चीजें अवॉइड करनी है। आपको अपना मोबाइल अवॉइड करना है, ठीक है, और मोबाइल आपको तो यूज ही नहीं करना है, ठीक है, जब भी आप स्लॉट स्टार्ट करें इस 2 घंटे में आपको बिल्कुल भी मोबाइल यूज नहीं करना है। पबजी की तरफ तो दिमाग ही मत दौड़ाना, ठीक है, 2 घंटे के लिए पबजी को साइड में रख देना। पबजी वाले जो फ्रेंड है उनको भी बोल देना कि 2 घंटे में पबजी नहीं खेलेंगे, 2 घंटे के बाद आराम से आपको इतना सारा गेम मिलेगा, है ना, इस गैप के अंदर आप आराम से पबजी खेलो, ठीक है, फोर्टनाइट खेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, कितने भी गेम है, कोई मास्टर सब आप खेल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 घंटे तक आप मोबाइल और पबजी को थोड़ा ब्रेक दे देना, ठीक। थर्ड चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि देखो ये आपको टाइम टेबल पूरा का पूरा 7 डेज तक कंप्लीट फॉलो करना है, ठीक, पूरा 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे बता रहा हूँ, आप मैक्सिमम कुछ भी नहीं बात, क्योंकि जब ये अगर आप 7 दिन तक कंप्लीट नहीं करोगे, आप 2 दिन कंप्लीट करके छोड़ दोगे, फिर उसका आउटपुट जो मिलेगा वो बढ़िया नहीं होगा, फिर उससे आप और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अगर आपको अच्छा आउटपुट लेना है तो आपको इसको पूरा 7 दिनों तक फॉलो करना पड़ेगा। 7 दिनों के बाद आपको खुद को आउटपुट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसको कंटिन्यूस आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड बात ये याद रखनी है। एंड फोर्थ जो इम्पोर्टेंट बात है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, देखो 12th क्लास के स्टूडेंट्स, दिवाली वेकेशन आपके लिए एक बहुत बड़ा वेकेशन है, ठीक है, क्योंकि दिवाली वेकेशन के बाद आपके हाफ ईयरली आ जाते हैं एंड हाफ ईयरली के बाद आपके आ जाएंगे प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के टाइम आपके पास में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ऐसे स्टडी कर पाओ, ठीक है, इतना वेकेशन भी नहीं मिलेगा। आप सुबह प्रैक्टिकल करने जाओगे, फिर स्कूल जाओगे, फिर अपने इंस्टीट्यूट जाओगे, तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होगा, ठीक है। तो 12th क्लास के स्टूडेंट ध्यान रखें, आपको क्या करना है, इसी टाइम को शेव करके आपको इसमें पूरा का पूरा जितना कोर्स कंप्लीट हो सके उतना करना है, क्योंकि हाफ ईयरली के बाद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बाद सीधा डायरेक्ट रिपोर्ट्स, रिपोर्ट के बाद बोर्ड्स, तो आगे का पूरा जो शेड्यूल है वो बिजी, ठीक है, तो वो ध्यान रखें। क्लास 10th के स्टूडेंट थोड़ा फोकस रह सकते हैं, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि थोड़ा बर्डन प्रैक्टिकल्स नहीं होते तो थोड़ा बर्डन कम हो जाता है, बट लाइक वैसे भी आपके प्रीबोर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन घंटों में यानी दिवाली वेकेशन में आप 6 घंटे नहीं निकाल सकती तो आप प्रीबोर्ड के टाइम भी 6 घंटे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास में हर पेपर के बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप होगा और इस 1 दिन के गैप में या 2 दिन के गैप में आपको पूरी की पूरी बुक्स रीड करनी होती है, क्योंकि पूरा सिलेबस आता है, फुल सिलेबस आएगा, तो उस अगर आपने कुछ बैकअप पढ़ा ही नहीं है ना, आपके पास बैकअप ही नहीं, कुछ मेमोरी नहीं है चैप्टर की, तो आप कैसे उसका आउटपुट निकालोगे, कैसे उसमें पेपर एग्जाम में लिखोगे, है ना, राइट करोगे, तो वो सब चीजें ध्यान रखना। आप फिर एक ही टाइप का वीडियो आप सर्च करोगे कि 7 दिनों के अंदर कैसे 95% गेन कर सकते हैं, कैसे 10 दिन में बढ़ करके 90+ क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये सब बकवास की चीजें, ठीक है। जो ऐसे वीडियो बनाते हैं उनकी डेप्थ को समझा करो आप, जो लोग बोलते हैं कि 10 दिन में पढ़ करके आप 90% ला सकते हो, तो उनकी डेप्थ ये होती है कि वो सोचते हैं कि आपने पहले 2 बार रिवीजन कर रखा होगा, अब आपको 3री बार रिवीजन करना है तो उसमें 10 दिन ही लगेंगे, और ये 100% होता है। जब अगर आपने 2 बार बुक्स पढ़ रखी है तो 3री बार पढ़ने के लिए आपको बहुत कम टाइम चाहिए होता है, आप उस बहुत कम टाइम में भी आप पूरा रिवीजन कर सकते हो, तो वो जो वीडियो होती है वो बिल्कुल सही होती है, ऐसा कोई नहीं है, आप 10 डेज में 95% ला सकते हो, बट उसके लिए आपके पास में हर एक बुक्स की, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड मेमोरीज होनी चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए पूरा चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के आप 10 दिनों के अंदर पढ़ करके 95% गेन कर सकते हो।
ठीक है। तो मेरा ये कोई मोटिव नहीं है जो लोग वीडियो बनाते हैं कि जो 95 10 दिन में पढ़ करके 95% ला सकते हैं, तो उनकी ही डेफ्थ होगी मेरे हिसाब से कि आपने अगर एक बार रिविजन कर रखा है, दो बार रिविजन कर रखा है, तो तीसरी बार जब रिविजन करोगे आप तो उसमें टाइम कम लगेगा, तो टाइम कम लगेगा तो आप कम टाइम में पढ़ करके 95% फोड़ सकते हो, 95% क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी से आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रिपेयर हो जाइए 10th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट्स एंड जेई मेंस, जेई मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जनवरी के अंदर एग्जाम है, तो आपके लिए भी ये वेकेशन बहुत ही मायने रखता है, इसके बाद भी आपको कोई वेकेशन नहीं मिलता, तो आप इसी शेड्यूल को थोड़ा बढ़ा करके उसमें कुछ चीजें ऐड करके अगर आपको और ज्यादा डिस्कस करना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये टाइम टेबल पसंद आया होगा एंड मैं आशा करता हूँ कि आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे पूरे 7 दिनों तक, एंड जो जो स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड से सेटिस्फाइड हैं, जो इसको फॉलो करना चाहते हैं या फॉलो करेंगे, वो नीचे कमेंट में बता दें कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड डाउट आता है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टडी करें एंड आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल।